त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है, ऐसे में बात करें दिल्ली नगर निगम की। दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी इस समय परेशान है, हताश है, आए दिन धरने प्रदर्शन हो रहे हैं क्योंकि कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा, 5-5, 6-6 महीने के वेतन रुका पड़ा है। हमारे बीच में दीपक कुमार जी जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। दीपक जी, वेतन को लेकर के कर्मचारी दुखी परेशान। देखिए, कई बार हमारी आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली ने कई बार ये मुद्दा कर्मचारियों का उठाया है कि दिल्ली में भाजपा शासित जो MCD है वो MCD पिछले 6 महीनों से वेतन नहीं दे रही, चाहे वो डॉक्टरों की बात हो, चाहे वो कर्मचारियों की बात हो, किसी भी स्तर पर इस कोरोना काल में उनकी आगे बढ़कर मदद करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए था, मगर भाजपा शासित जो MCD है भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। और वो अड्डा ऐसा है कि आज गरीब के पेट पर लात मारने का काम भाजपा की MCD की सरकार कर रही है। त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है, ऐसे में वो त्यौहार गरीब कैसे मनाएगा कर्मचारी? बिल्कुल, सबका अपना अपना परिवार है, सब लोग हैं, वैसे ही उनके ऊपर पहले ही उनके ऊपर लात पड़ चुकी है प्रगति की, ऐसी कोरोना काल में उनके ऊपर काम नहीं, धंधे नहीं, घरों में बैठे हुए हैं, उसके ऊपर ये दोबारा मरे हुए में एक लात मारने का काम MCD की भाजपा शासित सरकार कर रही है। मैं मांग करता हूँ और तमाम आम आदमी पार्टी के हमारे नेता जी समय समय पर ये मांग भी करते आए हैं और करनी भी चाहिए, और तमाम दिल्ली के लोग ये मांग करते हैं कि भाजपा को आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी जी आपसे दरख्वास्त करना चाहते हैं, आप आगे आइए और दिल्ली के MCD के जितने भी तमाम कर्मचारी हैं, चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे कर्मचारी हों, जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान हथेली पर रखकर जी दिल्ली के लोगों की मदद की, दिल्ली के लोगों के लिए काम किया, उनकी सैलरी तुरंत दी जाए। और हमारे दुर्गेश पाठक जी ने भी अभी पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बोला था कि दिल्ली के कर्मचारियों को सैलरी दो, नहीं तो आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरेगी। दीपक जी, पूरी दिल्ली के अंदर भाजपा ने एक पोस्टर निकाला है कि 13,000 करोड़ रुपए बकाया है दिल्ली सरकार पे, वो कब दोगे? नहीं, भाजपा का नेता आके बात करें, बताएं। मैं आपको बता दूं, हमारे आम आदमी पार्टी के नेता समय समय पर ये बात बोलते रहे हैं और बोल रहे हैं कि दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल जी और केजरीवाल जी ने ये कहा है कि हमारी तरफ से जो MCD को पैसा दिया जाना चाहिए था वो पैसा हमने अपनी तरफ से रिलीज कर दिया है, MCD के पास वो पैसा है, MCD को जवाब देना चाहिए कि वो पैसा जो दिल्ली सरकार ने उनको रिलीज किया वो पैसा कहाँ गया। वो गरीबों का पैसा था, कर्मचारियों का पैसा था, डॉक्टरों का पैसा, मतलब दिल्ली सरकार ने पैसा दिया है। बिल्कुल, दिल्ली सरकार ने अपना जो बकाया है वो दे चुकी है और दिल्ली सरकार खुद इस बात को कई बार अपने मन से कह चुकी है कि आम आदमी पार्टी के तमाम लोग इस बात को कह चुके हैं कि दिल्ली में जो केजरीवाल जी की सरकार है MCD को तुरंत जहाँ पैसा होता है तुरंत देने का काम करती है। तो क्या भाजपा डकार गई, वो पैसा गया तो गया? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात खुद मैं भी नहीं, अभी पीछे उनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि भाजपा शासित जो MCD है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है, अधिकारियों के हाथ में कमान है, भाजपा के नेता मिलीभगत करके भाजपा को गड्ढे में ले जाने का काम यहाँ के निगम पार्षद, तमाम दिल्ली के निगम पार्षद कर रहे हैं। कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी जारी कर दिया है कि सारे पार्षदों के टिकट काटे जाएंगे 2022 में, फिर से वही धरना। ये उनके लिए देखिए कमाल की बात है, जब पिछले प्रदेश अध्यक्ष थे जो हमारे सांसद भी हैं मनोज तिवारी जी, जब वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, जब उन्होंने ये बात कही थी कि शीर्ष नेतृत्व ने फैसला लिया है कि दिल्ली में जितने भी मौजूदा भाजपा के निगम पार्षद सबका टिकट काटा जाएगा, आज दोबारा उसी परिपाटी पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता जी, वो चल रहे हैं, उन्होंने भी यही बात कही है कि हमारे जो वर्तमान में जो पार्षद हैं वो भ्रष्ट हैं, उनकी जगह हम दूसरे नए पार्षदों को लाएंगे जो इनसे भी ज़्यादा बड़े भ्रष्ट होंगे, क्योंकि पहले वाले भ्रष्ट थे तो उनको बदल के नए वाले लेके आए, वो उनसे वाले भ्रष्ट हो गए, अब जो नए वाले आएंगे वो इन सबके बाप होंगे, सबके खलीफा होंगे। बार बार अपने पार्षदों को बदलना मतलब विश्वास नहीं पार्टी को? बिल्कुल विश्वास नहीं है, और ये तो सिर्फ ठेका देते हैं कि आप एक वार्ड ले लीजिए, इस वार्ड में जितने भी मकान बने, जितने भी काम हों, सब पे पैसा उगाइए, ट्रैक्टर वालों से पैसे लीजिए, सफाई कर्मचारियों से पैसा लीजिए, लेंटर पैसा, बिल्कुल सब पैसा लेने का काम करते हैं, ठेका छूटा जाता है। एक निगम पार्षद को मैं ठेकेदार कहूंगा कि वो ठेकेदार है, पार्षद नहीं है, वो अपने 5 साल के लिए उस वार्ड का ठेका लेते हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं दीपक जी, वो पार्षद ना होकर के, नगर सेवक ना होकर के वो ठेकेदार है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दोराय नहीं, क्योंकि उन्होंने, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने ये बात कबूल करी है कि हमारे जो पार्षद हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसलिए बार हम अगली बार जो भी होंगे नए चेहरों को मौका देंगे, उन सब लोगों को हटा दिया जाएगा। दीपक जी, नवरात्र का मौसम चल रहा है, क्या शुभकामना देंगे? विजयदशमी भी आ रही है। मैं सभी तमाम लोगों और दिल्ली वासियों को आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से और अपनी तरफ से भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, तमाम क्षेत्र के लोगों को, देशवासियों को, कि माता रानी की कृपा सभी पर बनी रहे और पूरा आशीर्वाद माँ शारदा का हमारे ऊपर रहे और इस कोरोना काल से निकलकर दोबारा
दिल्ली पटरी पर आए और तमाम जीवन के लोग, तमाम लोग खुशहाली से रह सके।